नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो पोषाहार वितरण के संबंध में है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पोषाहार का वितरण ओटीपी प्रणाली से किया जाता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आईसीडीएस विभाग ने एक पत्र जारी किया है। सारी सेविकाओं का कहना था कि क्या जुलाई से ओटीपी सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वो दिखाने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं उस लेटर की ओर, और उस लेटर में आपको दिखाते हैं कि आईसीडीएस विभाग ने क्या क्या निर्देश जारी किए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय की तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है, और डेट है 13/7/2021, संचिका संख्या 3396, और यहाँ ले हैं निदेशक आईसीडीएस और सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यानी कि पूरे बिहार में इस लेटर को जारी किया गया है। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसका विषय में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे विषय देख रहे हैं, विषय में आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2021 का टेक होम राशन या पोषाहार की प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से करने के संबंध में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जुलाई, अगस्त एवं सितंबर तीन महीनों का लेटर जारी कर दिया गया है कि तीनों महीने में आपको ओटीपी प्रणाली से ही आपको पोषाहार का वितरण करना है। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2021 का टेक होम राशन पोषाहार का प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो भी आपको पोषाहार वितरण करना है वो ओटीपी सिस्टम से ही वितरण करना है। अतः सभी महिला परिवीक्षिकाओं एवं सेविकाओं को निर्देशित किया जाए कि टोकन प्रणाली सत्यापन के बाद ही पोषाहार वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। तो अब आपको जुलाई से सितंबर तक टोकन का सत्यापन करने के बाद ही आपको पोषाहार का वितरण करना है। तो जितनी भी सेविकाएं थी जिनको ये लग रहा था कि पोषाहार का वितरण ओटीपी के माध्यम से नहीं किया जाएगा, तो उन सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अब जो भी वितरण करना है ओटीपी के माध्यम से ही करना है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और पोषाहार से संबंधित आपको कोई भी, आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।